बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसी हैं और क्या कैसी कैसी रेसिपीज बन रही हैं आपकी और कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप ईद को। तो मैं राशिदा अख्तर आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ और जो कि हैं जरदा राइस। जो हम घरों में जरदा राइस बनाते हैं, चावल जो कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं और जो भी खुशी का त्यौहार होता है तो उसमें जरदा तो लाजमी होता है, इसकी डिश लाजमी बनती है और बड़े न्यू तरीकों से बन जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जी मैंने राइस लिए हैं, ये सुपर कायनात राइस हैं जो, और वो दूसरे वाले जो सेलर राइस हैं वो नहीं है मेरे पास, मैंने वो नहीं लिए, इसलिए मैं वो दूसरे कायनात जो सुपर होती है उसको लाइक करती हूँ। तो ये वही मैंने वो वॉश करके इनको भिगो लिया है और 1 kg है। उसके अलावा इसके अंदर जो मेवे जाएंगे वो मैंने 2 tablespoon पिस्ता इसको काट लिया है, 2 tablespoon मैंने किशमिश ली है, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची इनको भी थोड़ा सा तोड़ लिया है। और जी इसके अलावा ये बादाम हैं जिनको मैंने छिलका उतार के और इनके 2 पीस कर लिए हैं। और ये खोया है, ये भी खोया भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये मेरे पास जी गरी है जिसको मैंने वॉश करके भगो दिया है, थोड़ी सी नरम हो जाए। ये फूड कलर है, येलो फूड कलर, ये हम देखेंगे कि इसके अंदर कितना जाएगा कलर देने के लिए। और 1 kg मेरे पास राइस हैं और उसके लिए मैंने 1/2 kg से भी थोड़ी कम ही है ये शुगर ली है। और ये आप देख सकते हैं मैं इतनी ज़्यादा शुगर लाइक नहीं करती, इसलिए मैंने अपने टेस्ट के लिहाज से डाली है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए जी मैंने 1 glass पानी लिया है। जब हम चाश बनाएंगे तो पानी मुझे कितना चाहिए ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो फ़िलहाल मेरे पास 1 glass पानी है। तो चावलों को भिगोए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं पानी की तरफ जाती हूँ, वो आपसे शेयर करती हूँ। जी तो 1 kg राइस है मेरे पास, उसके लिए मैंने पानी इतना बॉयल करने के लिए रख दिया था, पानी पकने लग गया है। तो जो मैंने आपको फूड कलर दिखाया था उसमें मैंने पानी शामिल करके ठंडे पानी में शामिल कर लिया और इसको हल कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा हाफ डाल दूंगी और हाफ रख लूंगी क्योंकि मुझे पता चल जाए कि जब मैं इसमें राइस शामिल करूंगी तो राइस को हमने देखना है एक बॉयल आने तक कि वो कलर कितना उसको आया है। अगर कम कलर है तो मैं फिर और शामिल कर दूंगी, अगर ना मतलब जो मुनासिब हुआ बिल्कुल सही परफेक्ट तो वो फिर हम कलर और शामिल नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा और मैं शामिल कर देंगे। अब जब पानी पकने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस शामिल कर दूंगी। जी तो मैंने राइस शामिल कर दिए हैं, अब देखते हैं, अभी एक बॉयल नहीं आया और जब इसको बॉयल आएगा तो जो फूड कलर है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे और कलर इसके अंदर शामिल करना है कि नहीं करना। और एक और बात बता दूं आपको, जो न्यू हैं कुकिंग करने वाली बच्चियां उनके लिए ये टिप है कि इसमें जब भी हमने कलर डाल के चावल डाल दिए हैं तो इसके अंदर ना तो सिरका हम शामिल करेंगे ना ही हम ऑयल शामिल करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे कर देते हैं चावल बॉयल होते हुए बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। तो इसको इसी तरह ही हम बॉयल कर लेंगे और जब बॉयल करेंगे तो इसकी 2 कनी छोड़ देंगे, फुल बॉयल नहीं हमने करने, 2 कनी छोड़ देनी है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इससे। जी तो राइस को 1 boil आ गया है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका कलर, ये देखिए वाइट शेड दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर और शामिल कर दूँगी, बस इतना सा।
अब इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि एक पता चले कि प्लेट में पड़ा हुआ ये जर्दा नज़र आ रहा है। फीका फीका कलर भी इतना अच्छा नहीं होता और ना इतना डार्क कलर अच्छा होता है। जी तो राइस मारे उबल चुके हैं, इनको बॉयल आ गया है और मैंने इसे एक बास्केट में छान लिया है और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखें इतना जब ये पक गया, ये देखें दो कनी रह गए, तो मैंने इसको छान लिया है। ना ज़्यादा आपने इनको बॉयल करना है और ना ही इतना कम करना है, तो ये कलर भी बड़ा परफेक्ट है जर्दे के लिए। तो अब हम शुगर कढ़ाई में डालते हैं और उसकी चाश बनाते हैं। और इस ये जो दो कनी है राइस, ये देखें इसमें मुझे पानी कितना चाहिए, ये आपसे शेयर करती हूँ। जी तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर मैंने ऐड कर दी है और एक गिलास पानी था मैंने आपको बताया था, अब इसमें एक गिलास पानी शामिल कर देंगे क्योंकि चावल मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किए। और स्लो फ्लेम पे इसकी हम चाश बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनानी। और जो शुगर है इसका जब शीरा बनेगा तो वो इतना आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, पकते पकते उसकी पापड़ी नहीं बननी चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। पापड़ी अगर बन जाएगी तो फिर हमारा जर्दा जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो चाश आपकी परफेक्ट नहीं रेडी हुई। तो जब रेडी हो जाएगी ये चाश मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि शुगर का भी अभी पानी बनेगा तो कितना पानी होना चाहिए ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जी जब शुगर मेल्ट हो जाएगी, इसकी बिल्कुल अच्छे से चाश रेडी हो जाएगी, तो उसके बाद हम घी या ऑयल की तरफ आएंगे। मैं इसमें घी शामिल करूँगी, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें जी हम चाश को रेडी कर लें। जी चाश हमारी रेडी हो गई है, इसमें बिल्कुल शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप ऐसे। और इसमें मैं सब्ज़ इलायची शामिल कर दूँगी। और इसी के साथ ही मैं घी शामिल कर दूंगी। जी मैंने घी भी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 कप मैंने घी शामिल किया है इसमें, देख सकते हैं आप ये घी है। अब हम इसके पकने का इंतजार करते हैं, जब घी और चाश एक जान हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं इसमें राइस शामिल कर दूंगी। जी तो ये देखिए 2 मिनट्स हो चुके हैं, चाश और ऑयल घी हमारा अच्छे से पक गया है, इसकी चाश अच्छी बन गई है, ये देख सकते हैं पापड़ी बिल्कुल नहीं बनी। इस तरह आपने रखना है और मैं आप इनमें चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ऐसे आपने चावल इनके अंदर शामिल करने हैं और बड़े ही प्यार से एहतियात से आपने चम्मच को हिलाना है, ये नहीं कि जल्दी से आपने राइस डाल दिए और ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाने लग गए तो चावल टूट भी सकते हैं, क्योंकि जितने भी राइस हैं उनकी एक अपनी काइंड होती है, तो वो ये नहीं आप कह सकते कि ये परफेक्ट है। हाँ अच्छे वाले जो राइस होते हैं वो तो फिर टूटते नहीं हैं अगर उन्हें अच्छे तरीके से ही बनाया जाए। तो राइस मैंने शामिल कर दिए हैं चाश के अंदर, अब मैं इसको बड़ी एहतियात से हिलाती जाऊंगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि राइस ना तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, बॉयल करते हुए बिल्कुल परफेक्ट और जुड़े भी नहीं, ये देखें इसकी चाश जो है ये जब तक ड्राई ना होगी उस वक्त तक हम इसमें मेवे नहीं शामिल करेंगे और ना ही इसको दम लगाएंगे अभी, क्योंकि इसको ड्राई करना है हमने इस चाश को।
जी तो ये देखिए चाश का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसके अंदर अब मैं सारे नट्स जो भी हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जितने भी आपने डालने हों जैसे भी डालने हों वो लास्ट में टॉपिंग पे आपने डालने हैं। अगर इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे तो वो नीचे से जल जाते हैं, नीचे लग जाते हैं, वो ग्रेस ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए टॉपिंग पे मैं सारे नट्स वगैरह जितने भी हैं वो शामिल कर दूँगी। इसकी टॉपिंग पे ही मैं थोड़ा सा खोया ये भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए ऐसे चलें जी। अब मैं इसको एक कपड़ा लूँगी, उसे मैं थोड़ा सा नमी दूँगी, कपड़े को गीला करूँगी और उसे निचोड़ लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर परफेक्ट हैं और चावल मेरे बिल्कुल सेट हैं, इसलिए ज़्यादा पानी उसमें बोने में या जो भी कपड़ा लेना है दम के लिए उसमें मैं नहीं रहने दूँगी। तो उसका दम लगा दूँगी और दम इसको चाहिए 10 मिनट्स तक, तो दम दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी और मिलूँगी जी। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, दम हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं इसका ढकना उठाती हूँ और फिर देखते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं जी आप, दम कंप्लीट है। ये देखिए केला केला चावल है और बहुत ही अच्छी लुक है इसकी, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जर्दा हमारा रेडी हो गया है और राइस देखिए माशाल्लाह से बहुत खिले खिले और बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसके ऊपर खोया भी ऐड कर दिया है और ये जो नट्स वगैरह हैं, मेवे हैं, ये आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और कलर देखें, ये ज़रदार आइस चो बनानी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो झटपट इसको बना लेती हूँ और मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। तो आप भी इसी तरह बनाएं, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, आप भी इसको ईजी रेसिपी बनाएं और दिल से बनाएं तो हर चीज़ आपकी परफेक्ट बन सकती है। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं राशिदा अख्तर आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।